कांग्रेस की रैली से टेंशन में है क्यों? बीजेपी जाटों ने दिया साथ तो बन सकती है बात। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रदेश में अक्टूबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनावी प्रस्तावित हैं। इस बीच कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में मांगे हिसाब नाम से कैंपेन शुरू कर दिए हैं। कैंपेन का नेतृत्व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, जिसको लेकर वे पूरे हरियाणा में जनसभा कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता से दूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 5 सीट पर मिली हार ने कांग्रेस को संजीवनी दी है। नतीजे से खुश कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में दोगुनी ताकत से जुट गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को लेकर कांग्रेस के स्थानीय नेता खुश नहीं है। ऐसे में अब अपने बेटे दीपेंद्र को आगे कर सियासी बिसात बिछा रहे हैं। बिता दे कि हरियाणा में कांग्रेस दो खेमों में बैठी है। एक गुट का नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, तो जबकि दूसरी कुमारी शैलजा कर रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से कांग्रेस के 5 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में प्रदेश में युवा चेहरे के तौर पर वे जनता की पहली पसंद बन सकते हैं। हालांकि गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस में उनकी स्वीकृति कितनी होगी, ये भी एक बड़ा विषय है। अगर कांग्रेस हरियाणा में गुटबाजी से दूर रहती है तो उसकी जीत तय है। वह बीजेपी में अनिल विज फिलहाल मोर्चे खोले हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार प्रदेश का चुनाव इतना आसान नहीं है। जाट बनेंगे बदलाव के वाहक। हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदवार को पंख लगाने का काम किया जाटों ने। जाट एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने में लिए लामबद हुए। हरियाणा में जाटों की आबादी 27% के आसपास है, वहीं 90 में से 40 सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है। अगर जाट वोट का बीजेपी एनलो और जजपा में बंटवारा नहीं होता है तो कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। लोकसभा 2024 में बीजेपी को 46% वोट मिले हैं, जबकि 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा 58% था। 2019 के चुनाव में 28% वोट हासिल करने वाली कांग्रेस इस चुनाव में 43% तक पहुंच गई। आइए जानते हैं हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार। हरियाणा के हिसार क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। हिसार में किसे कितनी सीट मिलेगी? हिसार में बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 1 सीट, जेजेपी के खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है हिसार की। हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, जेजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, जेजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। हरियाणा की 90 में से 16 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके यानी कि ओपिनियन पोल आपके दिखा रहे हैं। हरियाणा की जनता की राय के अनुसार बीजेपी को यहाँ पर 9 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें, आपके खाते में 1 सीट, जेजेपी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। रेवाड़ी की, रेवाड़ी में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, जेजेपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। गुड़गांव की, जी हाँ दोस्तों, गुड़गांव की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी। नूह की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 में से बीजेपी खाते में यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल के खाते में 0, जेजेपी खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता